सो हे गाइस, दिस इज मशुमा फ्रॉम techdopes.com एंड ये रहा हमारे पास बॉक्स रियलमी वॉच 2 प्रो का, और ये रही हमारे सामने रियलमी वॉच 2 प्रो। और यहाँ पर हम इस वॉच को 10 दिन से लगातार यूज़ कर रहे हैं एंड फाइनली मैं इसका एक इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। डिटेल में हम पूरा रिव्यू करेंगे कि मुझे वॉच कैसी ली कैसी नहीं, एंड यहाँ पर साथ ही हम इसका एक गिव अवे प्लान कर रहे हैं, और जो गिव अवे डिटेल्स हैं वो आपको इन द वीडियो कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आप जो डिटेल्स हैं वो मिस ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारे आने वाले अपकमिंग कंटेंट वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ में, बिकॉज 5000 रुपए के प्राइस की अगर हम बात कर दे तो उस प्राइस पर हमको ये इस टाइप का बॉक्स देखने को मिलता है। एंड इस प्राइस पर मैंने इस टाइप के बॉक्स को जस्टिफाई नहीं किया हुआ था, मुझे नहीं पता था इतना ही अमेजिंग बॉक्स भेजेंगे। बट यहाँ पर अगर हम बॉक्स क्वालिटी की बात करें, काफी अमेजिंग बॉक्स क्वालिटी आती है एंड 5000 रुपए इस बॉक्स पैकेजिंग के लिए जस्टिफाई करते हैं। बाकी अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आप जैसे ही बॉक्स ओपन करेंगे आपको सामने तरफ वॉच देखने को मिल जाएगी, और साथ ही यहाँ पर आपको चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाएगा जो कि एक मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक है। कोई भी फालतू के पेपर वर्क वगैरह देखने को नहीं मिलते, बहुत ही लिमिटेड पेपर वर्क रहते हैं और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रहती हैं बट काम की रहती हैं। सो वॉच को मैंने बाहर निकाल लिया है, ये रही वॉच हमारे पास रियलमी वॉच 2 प्रो, एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को मैं 4.5/5 देना चाहूँगा। काफ़ी अमेजिंग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे लगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉडी एंड डिज़ाइन के बारे में, तो इस वॉच की अगर बॉडी की बात करें तो ये पूरी प्लास्टिक से डेवलप करी गई है और यहाँ पर आपको कोई भी मेटल का यूज़ देखने को नहीं मिलता है। इवन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके साइड्स की, तो यहाँ पर आपको ये क्रोमिक साइड्स देखने को मिलती हैं बट ये प्लास्टिक साइड्स हैं। डिज़ाइन की बात करें तो हाँ, डिज़ाइन मुझे पसंद आए। इवन यहाँ पर आपको इस बैंड के ऊपर डेयर टू लिव की काफ़ी बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सो मे बी आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट जितना भी मैंने वॉच को यूज़ किया, ये जो ब्रांडिंग जब आप इसको पहनते हैं तो ये इस टाइप की तरफ आ जाती है, बट ज़्यादातर आप जो वॉच है वो इस साइड से यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं लगता है यहाँ पर। बाकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो या जो इसके स्ट्रैप है वो काफ़ी अच्छी सिलिकॉन क्वालिटी के साथ में आते हैं, कोई भी इसमें आपको चीप फीलिंग नहीं लगती है। एंड यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसका वो काफ़ी अमेजिंग लगता है, लाइट वेट वॉच है एंड अगर आप इसका पहन कर निकलेंगे तो मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपने एप्पल वॉच खरीदी है, सो इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स आपको देखने को मिलते, बिकॉज जो वॉच का लेआउट है वो काफ़ी हद तक आपको एप्पल वॉच 3 सीरीज के टाइप का देखने को मिलता है। सो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अमेजिंग आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो 1.75 इंचेस की आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलती है, 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप अगर आउटडोर भी इसको यूज़ करेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आउटडोर विजिबिलिटीज काफ़ी आपको अमेजिंग देखने को मिलती हैं। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ये आपको 30Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और यहाँ पर अगर हम कलर्स की बात करें तो काफ़ी पंची एंड काफ़ी वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने वॉच को ओपन किया तो मैं खुद कंफ्यूज था कि इसमें आपको कहीं एमोलेड डिस्प्ले तो देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज अगर हम कलर्स की बात करें, कॉन्ट्रास्ट की बात करें, वो काफ़ी आपको हाई मिलता है। बट आफ्टर रिसर्च मुझे पता लगा कि इसमें आपको एक LCD डिस्प्ले मिलती है, एंड LCD डिस्प्ले होने के बाद इसका जो कलर्स एंड जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो इतना मेंटेन करना, दैट इज़ अमेजिंग। नेक्स्ट यहाँ पर हम नोटिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ऊपर से आप स्लाइड डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जो भी आप अलाउ करते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कॉलिंग की अगर बात करें तो अगर आपकी कोई भी कॉल आती है तो यहाँ पर यह नोटिफाई कर देता है आपको, बट यहाँ से आप अपनी कॉल को कैंसिल कर सकते हैं, उसको साइलेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी कॉल को पिक नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई भी माइक्रोफोन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर एनिमेशन की बात करें तो हाँ, काफ़ी आपको सॉफ्ट एंड स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है, जिससे वॉच का जो UI है वो काफी और इंप्रेसिव लगता है, आपको एक फ्रेंडली UI देखने को मिलता है। आइकन्स की अगर बात करते हैं तो आपको 2 टाइप के आइकन्स देखने को मिलते हैं, लाइक आप ग्रिड में भी सेट कर सकते हैं, लिस्ट में भी सेट कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी अमेजिंग लगा। एंड काफी रेयर वॉचेस में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि आप अपने आइकन के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, एंड ये यहाँ पर इसमें पॉसिबल, एंड ये आपको एक थोड़ा सा अलग लुक प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। सो वाइब्रेशन वगैरह में मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगी इसकी। हेल्थ वगैरह की अगर बात करते हैं तो आपको सारे सेंसर्स देखने को मिलते हैं, लाइक SPO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड जो डाटा है वो मैं कहूँगा 99% आपको एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी अगर हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करें तो हाँ, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं 5000 रुपये की प्राइस पर, तो इन प्राइस पर जितनी भी स्मार्ट वॉचेस आती हैं तो वो सारी ही वॉचेस में आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता ही है, और जितने भी स्मार्ट वॉच के फीचर होते हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम
कनेक्टिविटी की बात कर रहता हूँ, यहाँ पर आपको 90 प्लस स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आता है, दैट इज द डुअल जीपीएस। डुअल जीपीएस एक ऐसा फीचर है जो आपकी वॉच को एक इंडिपेंडेंट वॉच बना देता है। लाइक आपकी वॉच को हमेशा आपके फोन से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस मेजरिंग की तो वहां पर जो नॉर्मल वॉचेस होती है आपके फोन के ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट रहती हैं एंड कुछ मूवमेंट के आधार पर ही वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं। एंड कहीं कहीं पर देखा गया कि आपने खाली हाथ की अगर मूवमेंट करते हैं तो भी वो डिस्टेंस मेजर करती रहती हैं, वहाँ पर आपको डिस्टेंस में इशू देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं जीपीएस इनेबल्ड वॉच की, सो इसमें आपको डुअल जीपीएस मिलता है जिसकी वजह से डिस्टेंस ट्रैकिंग वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, काफ़ी एक्यूरेट आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो वॉच है वो IP68 रेटिंग के साथ में आती है। लाइक अगर आप इसे पानी में भी डाल देंगे तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। 5 ATM तक का वाटर सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सारी स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन यहाँ पर बैटरी चल जाती है और फिलहाल बैटरी में कोई भी आपको ऐसा इशू नहीं मिलता है। और चार्जिंग की अगर बात करें तो 1.5 से 2 घंटे में ये वॉच आराम से चार्ज हो जाती है। बाकी अगर हम बैटरी की बात करें तो 319 MHz की आपको बैटरी मिलती है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको वेदर, म्यूजिक एंड कैमरा शटर जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ अलार्म और स्टॉप वॉच और टाइमर जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। फाइंड माई फोन का एक ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फोन कहीं भी आपका छूट गया है तो आप सिंपली जाइए फाइंड माई फोन पर टैप कीजिए और ये जो वॉच है आपके फोन में रिंग कर देगी और आपका जो फोन है आप ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है। एंड यहाँ पर अगर हम सेटअप की बात करें तो काफी ईजी सेटअप मुझे इस वॉच का लगा एंड 2 मिनट के अंदर ही जो वॉच थी मेरी फुल सेटअप हो गई थी। सो जो पूरी वॉच है आपको एक काफी फीचर प्रूफ वॉच देखने को मिल जाती है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं लगती है। बट कुछ कमी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर आपको कोई भी मेटल फ्रेम वगैरह देखने को नहीं मिलता है एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि इसमें आप कॉल वगैरह नहीं अटेंड कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर आपको कोई भी इंस्टेंट रिप्लाई जैसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, अपने नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, दैट्स इट। लास्टली इसमें आपको कोई भी स्मार्ट असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं इस प्राइस पर अदर स्मार्ट वॉचेस की तो हाँ कोई कोई वॉचेस आती है जहाँ पर आपको एलेक्सा इनेबल्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। सो फाइनली यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी गिव अवे के बारे में। तो यहाँ पर हम एक Realme Watch 2 Pro का गिव अवे करने वाले हैं, जो ये रही मेरे पास। बाकी यहाँ पर अगर हम गिव अवे के रूल की बात करें तो काफी सिंपल से रूल मैंने रखे हुए हैं। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे आपको एक सिंगल कमेंट करना है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है 1000 लाइक का। जैसे इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे ये गिव अवे एक्टिव हो जाएगा और मैं यहाँ पर रैंडम कमेंट पिकर से किसी एक कमेंट को पिक करके जो वॉच है उसको गिव अवे कर दूंगा। सो फटाफट जाइए नीचे कमेंट करिए और सिंगल कमेंट करना, आपको कोई भी डबल कमेंट नहीं करना है। और बाकी दिस इज द होल वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई। सो दिस इज द होल वीडियो एंड गाइस आई एम मीटिंग द नेक्स्ट वन।